प्रडिक्शन uh, we'll well well किस किस चैप्टर में से कौन से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बायोलॉजी और फिजिक्स के वीडियो इस चीज पे पहले ही अपलोड हो चुके हैं आई होप दे एंड नाउ वील कंटिन्यू विद

आपको पता है कि इसमें चार ही चैप्टर आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और इजी हैं और इसका अराउंड अराउंडीन टू सेवेंटीन परसेंट हो जाता है चार इजी चैप्टर है तो काफी ज्यादा होता है और ये इतने डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियडिसिटी में से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये आप जल्दी-जल्दी भी ये अगर आपको अच्छे से आता है तो ये आप जल्दी-जल्दी भी अटेम्प्ट कर सकते हो यू कैन सेव टाइम एज़ वेल एज़ अर्न मार्क्स इन दीस चैप्टर्स द नॉट इंपॉर्टेंट इजी वाले चैप्टर्स तो इसमें हैं थोड़े बहुत चैप्टर्स पर इसका आप जैसे वेटेज देखते हैं तो इतना ज़्यादा है नहीं अराउंड थ्री टू फोर परसेंट ही होते हैं ठीक है मेटलर्जी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ओके इनऑर्गेनिक एनालिसिस एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत कम वेटेज के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको थोड़ी देर बाद के लिए रख सकते हैं अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो तो पहले आप इजी इंपॉर्टेंट कवर कीजिए उसके बाद हम डिफिकल्ट डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट की बात आएगी उसको कवर करेंगे तो डिफिकल्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स काफी ज्यादा तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड टेन चैप्टर्स है जो इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट है और ऐसा ही नहीं इनका वेटेज भी काफी ज्यादा है अराउंड फोर्टी परसेंट का वेटेज है इनका तो इन पे काफी फोकस करने की जरूरत है इसमें सारे ऑर्गेनिक वाले आते हैं और जो इनऑर्गेनिक में से एस ब्लॉक पी ब्लॉक है मूल कॉन्सेप्ट है मूल कॉन्सेप्ट में से काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो इस पे काफी फोकस करने की जरूरत है ओके और इनको बार बार पढ़ें बार बार रिवाइज करें क्योंकि दिस इज अ डिफरेंस इन योर फाइनल मार्क्स ओके

अगर हम कंपाइल करेंगे पिछले तीन साल का तो इनका वेटेज कम रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं इन सब का टोटल वेटेज अराउंड 12 टू 14 परसेंट ही बनेगा तो इसको आप थोड़ा सा देर बाद भी रिविजन कर सकते हो बाकी चैप्टर्स को पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस दें ये थोड़े डिफिकल्ट भी है प्लस इनका वेटेज भी कम है तो अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो द वे टू गो

फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास सो प्लीज ऑन इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स वाला एट ही क्वेश्चन मतलब अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सारे चैप्टर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोलूशन और केमिकलटिक्स में इतने टफ चैप्टर्स नहीं है तो इसमें आप स्कोर कर सकते हैं अगर हम टोटल देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से इलेवेंथ और तो ट्वेल्थ का लेके तो आर नाइनटीन क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं कि ये नाइनटीन क्वेश्चन होंगे सेवेंटी सिक्स मार्क्स टोटल जो आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से तो फिजिकल केमिस्ट्री से काफी पोर्शन है 180 में से Around, around approximately 80 marks questions are from physical chemistry so physical chemistry has more weightage than inorganic and organic chemistry and it is easy as well now coming on to inorganic chemistry to class 11th inorganic chemistry say एट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है अराउंड थर्टी टू मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन एस और पी ब्लॉक एज एक्सपेक्टेड था वैसे ही आने वाला है तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक काफी लोगों को डिफिकल्ट लगता है और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं या रिएक्शन पे क्वेश्चन होते हैं तो इस पे काफी फोकस करने की जरूरत है एट क्वेश्चन थर्टी टू मार्क्स इफ यू गोट टू सी इन ऑर्गेनिकमिस्ट्री ऑफ क्लास ट्वेल्थ देर आर सेवन क्वेश्चन की सेवन क्वेश्चन आएंगे और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है ये कंटिन्यूशन है क्लास एलेवं का तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे पी ब्लॉक पे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर भी बड़ा है थोड़ा सा टफ भी है डिफिकल्ट इम्पॉर्टेंट में भी आता है और यहाँ पे क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं तो इस पर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है फिजिकल का सेवेंटी सिक्स मार्क्स के हमारा एस्टिमेट था और इनऑर्गेनिक का 60 मार्क्स तो टोटल वन थर्टी सिक्स मार्क्स हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज उस हिसाब से काफी कम है पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं वेरिएशन है वो ज्यादा हो सकता है पर जो वेटेज है उसका कम है तो प्लीज फोकस फर्स्ट ऑन फिजिकल एंड और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप थोड़ा देर बाद अगर टाइम नहीं है आपके पास तो फिर उसमें जा सकते हो कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री क्लास इलेवेंथ में आपको पता है जैसे दो ही चैप्टर्स हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक हाइड्रोकार्बन जो ज्यादा टफ नहीं होंगे अगर ट्वेल्थ आपने कर ली है तो आपको आराम से ही आ जाएगा केमिस्ट्री so, से इलेवेंथ क्लास में से फोर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटीज है that constitutes around 16 16 मार्क्स, I'm sorry, and 36.6, 36%, 36 of weightage. Now, if we go on to class 12th organic chemistry, then we can see इसमें चैप्टर्स ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस अल्कोहल से बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें two दे रखे हैं, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, पर प्रीवियस ईयर्स के देखें तो कभी-कभी three, कभी-कभी four भी पूछे गए हैं और बाकी चैप्टर्स से कम कर दिए गए हैं तो इसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 12th इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी अराउंड 7 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ अराउंड 28 मार्क्स दैट इज 63.64 परसेंटेज के इसमें से आ सकते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी कंसंट्रेट कीजिए टोटल करें तो 11 क्वेश्चंस ऑफ अबाउट 44 मार्क्स विल बी कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री से हम देख चुके हैं 76 मार्क्स के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और इनऑर्गेनिक से 60 मार्क्स के आने की प्रोबेबिलिटी है सो फर्स्ट यू फोकस ऑन फिजिकल केमिस्ट्री देन फॉलोड बाय इनऑर्गेनिक एंड देन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस दैट कंस्टिट्यूट योर टोटल ऑफ 180 एटी मार्क्स टूडे स्टडी स्मार्ट एंड हार्ड